हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से अपनी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे पासपोर्ट साइज़ में आप अपनी फ़ोटो को बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो और अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आप उसमें बैकग्राउंड भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और कलर भी चेंज कर सकते हैं, और वो फिक्स पासपोर्ट साइज़ में बन जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, आप अपने मोबाइल में ही बना सकते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, फ़ोटो कैसे चेंज करेंगे, फ़ोटो में आप कपड़े भी पहना सकते हैं दोस्तों, मतलब यूनिफॉर्म भी आप पहना सकते हैं पासपोर्ट साइज़ में आप। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, स्किप बिल्कुल भी मत करना, तभी आपको अच्छे क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन में, और आप मोबाइल स्क्रीन में आपको बताएंगे कैसे आपको करना है, कौन सी वो साइड है, और अब बिल्कुल फ्री में होगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री साइड है, आप अपन साइड में चल के काम करेंगे। तो गाइज, हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या सर्च करना है उसमें, cutout.pro/passport-photo-maker-upload, ये साइट को आपको उसमें सर्च करना है दोस्तों। ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप यहां से भी डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं साइट को। तो यहां जाने के बाद दोस्तों, अब आपको मोबाइल में दिख रहा होगा, यहां जाने के बाद दोस्तों हम आ गए हैं, यहां से आपको दिख रहा होगा अपलोड, यहाँ से हम अपलोड, जैसे अपलोड में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जिस भी फ़ोटो को आपको पासपोर्ट साइज में बनाना है, वहाँ से गैलरी से हम चूज कर लेंगे दोस्तों। गैलरी चूज करने के बाद आपको वो फ़ोटो यहाँ सामने शो करने लगी आपके, यहाँ से हम सब चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, मेरे मोबाइल में देख सकते हैं आप क्या क्या उसमें करना है पूरी सेटिंग। तो चलिए मैं बारी बारी से बता देता हूँ आपको। यहाँ से साइड में आना है दोस्तों, यहाँ से आप ये पेपर साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा सबसे फर्स्ट में, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ये भी चूज कर सकते हैं। तो कुछ भी, चलिए हमने ये सेकंड वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से हम चार फोटो हो गई दोस्तों, मतलब जितनी आपको निकालना हो उतनी आपसे यहाँ पेपर साइज में सेलेक्ट करके जितनी ज़्यादा आपको निकालनी हो। देखिए, अब यहाँ 6x4 में करेंगे तो यहाँ से 6 फ़ोटो आ जाएंगे। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, देखिए ये 8 फ़ोटो आ गई। ऐसे ही हम, मतलब जितनी भी फ़ोटो निकालनी हो उतनी यहाँ से हम बढ़ा के कर सकते हैं गाइज। सेकंड में आपको क्या मिल जाता है दोस्तों, कलर का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, चलिए ब्लू लेता हूँ, मतलब ये वाला ले लेता हूँ ये कलर। तो देखिए, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है गाइज। तो आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हम साइज सेट कर सकते हैं, कस्टम साइज, ये जहाँ हम दिखा रहा है यहाँ से हम कस्टम साइज कर सकते हैं दोस्तों, पासपोर्ट साइज। ये हम अपनी फ़ोटो को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, कितना हमको लेना है, यहाँ से हम ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं हम। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा गाइज, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये यूनिफॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है थर्ड नंबर में, इसमें आपको क्लिक करना है ये। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारी यूनिफॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे गाइज, जो भी आप अपने यूनिफॉर्म अपने आप को पहनाना चाहते हो वो वाला। हम, चलिए मैं कोई सा चूज करके दिखा देता हूँ, चलिए मैं जैसा ये वाला चूज करता हूँ। यहाँ थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए गाइज, हम यूनिफॉर्म पहनाने के बाद देखिए फ़ोटो का लुक कितना बेहतरीन लग रहा है गाइज। अब आपको यहाँ से क्या करना है, डन कर देना है। जैसे डन कर देंगे दोस्तों, यहाँ आपका ये देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन के आ गई, ये आपकी ओरिजिनल वाली है, और यहाँ आपकी ये पासपोर्ट साइज आ चुकी है। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ देखिए डाउनलोड HD, इसमें आप चूज कर सकते हैं यहाँ से PNG में करना है कि JPG में करना है। तो आप PNG में भी कर सकते हैं और JPG में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं JPG में कर लेता हूँ और हाई क्वालिटी डाउनलोड कर लेता हूँ उसको।
तो देखिए यहाँ से डाउनलोड होना हमारा स्टार्ट हो चुका है गाइस, और ये हमारी फ़ोटो डाउनलोड भी हो गई। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, फ़ोटो हमारी डाउनलोड हो चुकी है, वो भी यूनिफॉर्म के साथ। तो आप अपने फ़ोन में ही आप अपनी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज बना सकते हैं, उसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसमें यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने करके बताया है आपको। तो गाइज कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना मेरी वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।